हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक स्मार्ट ट्रिक शेयर करेंगे जिससे आप 1 से 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आसानी से याद रख सकते हो। इस ट्रिक में 5 फॉर्मूले शामिल हैं। 2n 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 4 और 2n plus 5। 1 से 20 एलिमेंट्स के लिए तो पहली दो फॉर्मूले ही काफी हैं। बस याद रखो, 2n उन एलिमेंट्स के लिए है जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है और 2n प्लस 1 उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इंटू 8 इक्वल्स 16। फ्लोरीन 9 है, 2 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल्स 19। सोडियम 11 है, 2 इंटू 11 प्लस 1 इक्वल्स 23। यह 15 एलिमेंट्स के लिए परफेक्ट काम करता है, बाकी 5 एलिमेंट्स के लिए थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि 4 और 7 के लिए रूल को आपस में बदल दो। बेरिलियम 4 है, लेकिन 2n प्लस 1 फॉर्मूला फॉलो करता है। नाइट्रोजन 7 है, लेकिन 2n फॉर्मूला फॉलो करता है। हाइड्रोजन सबसे सिंपल है, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 होते हैं। क्लोरीन लगभग 2n प्लस 1 रूल को फॉलो करता है। सिर्फ 0.5 का फर्क है। आप इसे लिंक कर सकते हो कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37। जब हम एटॉमिक मास का वेटेड एवरेज लेते हैं तो 35.5 आता है। आर्गन ही एक ऐसा है जो अलग फॉर्मूला 2n प्लस 4 को फॉलो करता है। अब चलते हैं एलिमेंट्स 21 से 30 तक। पहले 3 E1 एलिमेंट्स 22, 24, 26 को मार्क करो। हम इनमें 2n प्लस 4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यही फॉर्मूला हमने आर्गन में भी यूज किया था। अब हम उन एटॉमिक नंबर्स को मार्क करेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। 21, 28। हम इनमें 2n प्लस 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी के एलिमेंट्स के लिए 2n प्लस 5। आखिरी में जैसे हमने क्लोरीन में 0.5 जोड़ा था, वैसे ही कॉपर में भी जोड़ दो। कॉपर के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।